इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट। ये है मोहब्बतें फ्रेम में मिसेस भल्ला का किरदार निभाने वाली शहनाज रिजवाना अब नजर आएंगी निर्माता निर्देशक करते हुए। करने जा रहे स्टेज प्ले में होंगी शहनाज रिजवाना, पवित्रा पुनिया, रिजवाना सिद्दीकी, प्रियंका तिवारी। और क्या कुछ कहना था इस स्टेज प्ले को लेकर देखिए। लड़ाई हो टेलर से, जिंदगी मेरी हराम हो जाए, ड्राइवर की गलती हो और जीना मेरा हराम हो जाए, शादी हो गई है ब्लड प्रेशर की मरीजा से, शादी हो गई है ब्लड प्रेशर की मरीजा से, जाने किस गली में जिंदगी समाप्त हो जाए। बेसिकली 2013 में एकता कपूर ने मुझे यह है मोहब्बतों के एक रोल के लिए यहाँ बुलाया और मैं तकरीबन 1000 से ज़्यादा एपिसोड्स इसके कंप्लीट कर चुकी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त उसकी एक बहुत ही मेन आर्टिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पवित्रा पुनिया, जो निधि का कैरेक्टर कर रही थी। और अब आप इन्हें देख रहे हैं कि वो डिफरेंट रूप बदल कर आ रही हैं और कितने वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, कितना कमाल फन है जिस तरीके से ये निभा रही हैं अपने कैरेक्टरों को। मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त ये मेरे साथ हैं। उसके अलावा जो अभी हमारे प्ले के और भी मेन कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर हैं, रिजवान सिद्दीकी हैं और हमारी हेड ऑफ़ द प्रोडक्शन नीतू हैं, संध्या जी हैं। कैरेक्टर करने के साथ साथ मुझे फिर ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी यकसुई का शिकार हो रही है, तो थोड़ा सा चेंज लाने के लिए और थोड़े से अपने दूसरे टैलेंट्स को बरुए कार लाने के लिए मैंने ये फैसला किया कि कुछ ऐसा यहाँ पर शुरू किया जाए जिससे ना सिर्फ मेरी ज़ात को सुकून और तस्कीन मिले या मेरे जज्बों को तस्कीन मिले, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए भी मैं कुछ करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया मेरा मैका है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, यहीं शादियाँ हुई। उसके बाद जब पाकिस्तान वाला तो वो वहाँ पर माइग्रेट कर गए थे। इस सरजमीन से मुझे बहुत प्यार है, यहाँ के रहने वालों से मुझे बहुत प्यार है और यहाँ के लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि वाकई ये प्रूव करके दिखा दिया कि ये है मोहब्बतें। तो मैंने फिर ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि एक तो प्रोडक्शन हाउस बनाते हैं और उसके बैनर तले हम जो कुछ करेंगे उसकी तफसील मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन ये प्रोडक्शन हाउस जो बनाने के अगराज व मकासद हैं वो यही हैं कि मैं हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकूं। अब बहुत कुछ कैसे करूंगी, क्या हमारे प्लान्स हैं, वो मैं आपको बताती हूं। एक तो ये कि हम इसमें थिएटर करेंगे, थिएटर को ज़िंदा रखने के लिए, प्रमोट करने के लिए हम इसके अंदर मुख्तलिफ़ मौजूआत पर इश्यूज रेज करेंगे। एक ऐसी बात आपको बताऊं जो शायद आप लोगों के नॉलेज में ना हो कि अभी तक आप लोगों ने टीवी पर मुझे मिसेस भल्ला के रूप में देखा और एक एक्ट्रेस की हैसियत से मैं जानी जाती हूँ अब तक, लेकिन मैं एक राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ। तो उस नाते अब मैं बहुत कुछ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात ये कि जो यहाँ के ऐसे बर्निंग इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने से ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में रहने वाले मुख्तलिफ कोनों से लोग मुस्तफीद होंगे, उनको फ़ायदा पहुँचेगा। मैं मुआशरे की इस्लाह करना चाहती हूँ, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत सारे काम करना चाहती हूँ। तो इस बैनर तले हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे और थिएटर करेंगे। इससे एक जानिब तो हम थिएटर को प्रमोट कर रहे होंगे और दूसरे जानिब हम उन लोगों को चांस देंगे जिनमें बेपनाह टैलेंट्स हैं लेकिन उनके पास कोई गेटवे नहीं है, उन्हें हम एक्सपोजर देंगे, उन्हें हम एक गेटवे प्रोवाइड करेंगे। ऐसे बच्चे जो कि बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बॉर्न आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनको गेटवे नहीं मिलता, वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अगर किसी एक्टिंग स्कूल में जाते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा हमने ये किया है कि शन्ना आर्ट प्रोडक्शंस के साथ साथ हम इसमें एक्टिंग के क्लासेस भी शुरू करेंगे। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत एक्सपेंसिव एक्टिंग स्कूल्स, उनको हम चांस देंगे और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम उनको डायरेक्टली रोल देंगे और वो हम उसकी वेब सीरीज़ बनाएंगे, शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के फिल्म फेस्टिवल्स को, स्पेशली लंदन फिल्म फेस्टिवल्स को हम भेजेंगे और वेब सीरीज़ होगी, यूट्यूब वीडियोज़ होंगी, इससे हम फ़न व सकाफ़त की आबियारी करेंगे।
शना प्रोडक्शन से पहले बिकॉज आई एम क्लोज टू हर एंड इन्होंने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है क्योंकि थिएटर करना मेरे लिए पहली मर्तबा होगी, मैं पहली बार थिएटर करूँगी कैमरा के ऊपर. यू नो कट एक्शन करना बहुत ईजी होता है हम लोगों के लिए, इवन किसी भी टेलीविजन आर्टिस्ट के लिए, लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है वो एक्चुअली स्टेज के ऊपर दिखाई देती है. वहीं आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, वहीं आपकी वर्सेटिलिटी दिखाई देती है कि आप कैसे खुद को साबित कर सकते हो. तो ये मौका इन्होंने मुझे दिया है, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड. इसके अलावा कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ. और जैसा कि आपने कहा यहाँ बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं, लेकिन आप देखें सैकड़ों गाने आते हैं लेकिन कोई भी खूबसूरत गाना आता है उसे मुद्दतों तक याद किया जाता है. तो मेरी शुभकामनाएं और मेरा पूरा विश्वास है कि इनका जो भी अभी प्ले आ रहा है उसको आप लोग मुद्दतों तक याद रखेंगे. जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक मुसन्निफा यानी कि मैं एक राइटर भी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं माशरे के ऐसे इश्यूज एड्रेस करूँ कि जिसमें एक मॉरल हो, जिससे कुछ इस्लाह होती हो. चलते चलते किसी को एक अच्छी बात बता देना भी नेकी होती है. तो इस प्ले में जो हमारे USPs हैं, नंबर वन तो ये कि इसके एंड में हम एक ऐसा मॉरल देंगे जो कि दुनिया में अमनो अमान कायम करने के लिए एक बहुत ही अहम रोल अदा करेगा. नंबर टू, जो उर्दू जबान से शगफ रखते हैं, जिनको शेर व शायरी से दिलचस्पी है, उनकी दिलचस्पी का सामान इसमें है. जो लोग हंसना चाहते हैं तो इसके अंदर ह्यूमर है, इसके अंदर एक स्टोरी है, इसमें नगमगी है, इसमें मौसीकी है. तो आप लोग इंजॉय करेंगे और इस तरह से हम एक बिल्कुल आप खुद देखेंगे कि एक बिल्कुल अछूता प्ले हम आपके सामने पेश करेंगे.